Hello, students. I hope all of you are doing perfectly fine. We have been discussing in this video series the chapter of partnership final accounts at your level of SYJC. We will be continuing that in this particular video. The whole purpose of this video is to explain to you the previous video's last part wherein I have given a homework question. Now, please understand the, the part where I am giving you the homework question, how serious. होमवर्क क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आप कितने पानी में हो आई होप ये आपको मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो वीडियो दो हिस्सों में होता है। पहले एक क्वेश्चन होते हैं और वो नए एडजस्टमेंट आपको बड़े विस्तार से बड़े आराम से बड़े कछवे के स्पीड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद में एक होमवर्क दिया जाता है द होमवर्क इज अ प्रोजेक्ट होमवर्क ऐसा चीज है जो आप अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन से समझा है वो अप्लाई करना है होमवर्क के अंदर सो so, मैं आपको वापस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको डिलीजेंटली ऑनेस्टली ऑन टाइम सॉल्व करो ओके okay? अगर वो डिसिप्लिन नहीं आने वाला है आई फुल्ली अंडरस्टैंड कि यूट्यूब ये जो माध्यम है जिसके बारे में थ्रू विच वी आर मीटिंग ईच अदर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखा होगा जोक्स के वीडियो के लिए देखा होगा गैग्स के लिए देखा होगा मे बी एडुकेशन के लिए आपने यूज नहीं किया होगा ना प्लीज अंडरस्टैंड इट इज न्यू फॉर यू इट इज न्यू फॉर मी आई एम ट्राइंग माई बेस्टम डेवलप हो जैसे जब लेक्चर्स होते हैं तो आप कोई कोचिंग क्लास में जाते हो और एक सर्टन नंबर ऑफ डेज पे आप कमिटेड हो कि आपको यहां पे जाना ही है ये टाइम को आपको वो लेक्चर के लिए बैठना ही है यू हैव टू डिवोट दैट टाइम एज वेल एज द होमवर्क विच इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर हॉल बाय अ सर्टेन प्रोफेसर लेट्स कीप दैट सेम अप्रोच इवन दो वी आर नॉट फिजिकली मीटिंग इच अदर ओके बट द डिसिप्लिन दैट यू शो द कमिटमेंट दैट यू गिव बाय गोइंग टू अ कोचिंग क्लास फिजिकली थ्रू दीज वीडियोज लेट्स ट्राई टू कीप द सेम डिसिप्लिन लेवल सो क्विक रिमाइंडर ओके आई होप आपको तो याद होगा ही पर तो भी अगर फाइनल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस किए हैं कार्ड गिवेन बाई मी सो दैट यू कैन जस्ट क्लिक इट गो टू द प्रीवियस वीडियो एज वेल एज द लिंक ऑफ दायर वीडियो सेट है सो लेट्स गेट स्टार्ट

सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन के अंदर एक दो इक्का आइटम मैंने नए डाले हैं, ओके? सो पर उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरी तरह से प्रीवियस वीडियो में दे दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है इफ यू सजेशन इज विद हेल्प ऑफ दैट कार्ड डू गो टू द प्रीवियस वीडियो अ लुक एट द होमवर्क पार्ट

फास्टर स्पीड पे सॉल्व करूंगा ओके ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था ये पूरा ट्रायल बैलेंस था इसमें एडजस्टमेंट्स थे चार एडजस्टमेंट्स के सारे right मार्किंग तो से ही हो चुका है हम अभी स्टेप टू की तरफ जा रहे हैं विच इज गोइंग टू बी एम टी द ट्रायल बैलेंस दिस इज द ट्रायल बैलेंस विच हैज बीन डिस्कस विच हैज बीन कंप्लीटली मार्क्ड स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ये स्टेप कर रहे हो जिसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस को एम करो इसके पहले जो आपने किया है मार्किंग थोड़ा टाइम लीजिए आराम से कीजिए कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अगर आपका मार्किंग सही है ये जितने मार्किंग यहाँ पे किए हैं परफेक्ट है तो 99% आपका क्वेश्चन सही आएगा ओके मेक श्योर sure, अगर आपका मार्किंग सही नहीं है मीनिंग टू से एक आइटम छूट गया दो आइटम छूट गया आपको डाउट है ओके okay? तो वो डाउट आपके प्रोफेसर से जिसने भी आपको एक्सप्लेन किया है वो क्लैरिफाई कर लो ओके okay? अगर हमारे वीडियोस में आपको डाउट आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है याद दिला देता हूं कि आपके डाउट्स अकाउंट्स के बारे में क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन यूट्यूब में होता है अगर आप यूट्यूब के लिए नए हो तो देर इज ऑलवेज अ कमेंट सेक्शन एट द द एंड ऑफ वीडियो दैट यू आर

क्योंकि पच्चीस रिटर्न अगर आता है तो उसको हम सब करने वाले हैं रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट रॉयल्टीज अगर आप नहीं दोगे तो फिर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ना प्रोडक्शन की परमिशन नहीं मिलेगी तो ये रॉयल्टीज का एक एक्सप्लेनेशन था तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है रॉयल्टीज में आपको एक एडजस्टमेंट है दिखा देता हूं मैं यू सी द स्टार्मर द स्टार्मर मींस रॉयल्टी के नंबर में या तो कुछ प्लस होगा या तो कुछ माइनस होगा उसके बाद कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नोट डेबिट डेबिट मतलब एवरीथिंग विल गो टू द डेबिट साइड कमीशन पीएनएल गो टू पीएनएल अकाउंट दिस आल्सो हैज एन एडजस्टमेंट देयरफॉर वी लीव वन लाइन ओके लीव अ लाइन ड्रॉ लाइन वन मोर थिंग इफ यू हैव अ बैड डेप फार्मूला व्हिच वी हैव रिटन हियर ओके प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज कि सर कुछ चीजें फॉर्मूला के ऊपर लिखती है कुछ चीजें फॉर्मूला के नीचे लिखते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा ये फॉर्मूला आपने जहां पर भी लिखा है उसके ऊपर जो फिट हो सकता है फिट कर दो एक बार वो जगह खत्म हो जाएगी फिर उसके नीचे की जगह यूज कर लो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ओके सो डोंट वरी अबाउट इट इतना ही है डेबिट की चीज प्लीज डेबिट में लिखना ओके okay? नेक्स्ट आइटम is इज इंटरेस्ट इट्स as प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इसमें स्टार नहीं था ना इसलिए तो ये फ्यूचर में काम आता है आपको तो आप जाओगे बैलेंस शीट में पोस्टिंग यहाँ पे asset साइड पे करोगे नेक्स्ट इन लाइन इज लैंड बिल्डिंग

Okay. ये होटल वाला एक बार खरीदता है और सालों साल इसको यूज करता है वो जितनी भी कुकिंग करता है जितना भी आपको खाना परोसता है सर्व करता है वो सब ये इक्विपमेंट के हेल्प से ही होता है इसके लिए इक्विपमेंट एक एसेट तो लाइन खाली रखना है कस्टमर्स okay? कस्टमर्स है तो ही हमारा फ्यूचर है ओके okay, और वो फ्यूचर अच्छा होगा अगर कस्टमर्स है ये भी एसेट है वन लैख फाइव थाउजेंड एक फर्स्ट तारीख का तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया ना ट्रेडिंग अकाउंट थर्टी थाउजेंड ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखोगे नेक्स्ट इन लाइन इज बैड डेप ये नुकसान होता है ये प्रोडक्शन के बाद होता है पोस्ट प्रोडक्शन दिस देव थाउजेंड अ कॉलम ओके प्लीज नोट ये पूरा फॉर्मूला अभी तो शुरू नहीं किया है हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये पूरा फॉर्मूला जो है मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका मतलब क्या है एडिशनल बैट न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी राइट नाउ डू नॉट वरी अबाउट इट गोइंग टू ट्रांसफर इट टू साइड मूविंग ऑन इन द क्वेश्चन वी हैव एडवांस गिवन टू रोमियो इससे कोई फर्क नहीं करता है कि आप एडवांस किस मजनू को दे रहे हो ओके okay? रोमियो को दो रमेश को दो किसी को देना है आप दो वो पैसा आप उनको दे रहे हो और उसका एक रिटर्न डेट होता है वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये कोई पर्सनल लोन नहीं है जो आप दे रहे हो ये बिजनेस का पैसा आप दे रहे हो तो वो बिजनेस में सूद समेत इंटरेस्ट के साथ में वापस आना चाहिए फ्यूचर में वापस आएगा receivable okay 10000 this will come on the asset side next is going to be discount it is a mind work it says profit and loss account 8000 okay mind work is done in an office so we write it here that is in the office next we go to drawings drawings matlab apne jo owners hai na, sun and moon unhone teen teen घर पर ले लिया घर वालों के लिए विद्रॉ कर लिया तो अकाउंट अकाउंट में आता है उनके का नाम पार्टनर्स कैपिटल है डेबिट साइड पे आप लिखोगे ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉट डज दिस मीन प्रिंटिंग मतलब जेरोक्स निकालना प्रिंट आउट निकालना स्टेशनरी का मतलब होता है आप क्या जो भी पेन पेंसिल रूलर रबर फाइल ओके डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये सारा कुछ जो काम होता है ना वो ऑफिस में ही होता है और जब भी मैं ऑफिस बोलता हूँ, याद रखिए मेरा मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोडक्शन के बाद नाइन थाउजेंड ओके ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट इज गोइंग टू बी वेजेस वर्कर का पगार वर्कर आता है फैक्ट्री में काम करने के लिए फैक्ट्री का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रोडक्शन के पहले तो ये बारह हजार आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे मूविंग ऑन ये ऑफिस वाले का पगार है ओके okay, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ट्वेंटी फोर थाउजेंड ओके ऑफिस में जाएगा नेक्स्ट इज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है एक गाड़ी एक ट्रक ओके okay, और वो आउटवर्ड जा रहा है मतलब ना प्रोडक्शन हो चुका है प्रोडक्शन हो चुका है प्रोडक्ट बन गया है पैकेजिंग हो चुकी है अभी पैकेज प्रोडक्ट कस्टमर को ओके प्रोडक्शन के बाद उनके दरवाजे तक डिलीवरी के लिए लेकर जा रहे हैं इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट थाउजेंड स्टार है आपको एक लाइन खाली रखना पड़ेगा सेल्स so, के साथ जुड़ा हुआ है सो इन ट्रेडिंग अकाउंट फोर थाउजेंड इज वॉट वी विल बी राइटिंग दिस इज हाउ डू इट आफ्टर दैट आर इफ यू नोटिस

बैलेंस शीट में लिखना है बैलेंस शीट में पहले चार पांच लाइन खाली रखना क्योंकि यहां पे कैपिटल का आंसर आता है सो इट नेक्स्ट इज बैंक का पैसा है आपका पैसा नहीं है दस दिनों में पंद्रह दिनों में एक महीनों में आपको ये लौटा देना है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इट इज लाइबिलिटी अगेन बैलेंस नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न कनेक्टेड टू

ट्वेंटी थाउजेंड बैंक का पैसा पराया धन लौटाना है रख नहीं सकते अपने पास बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ट्वेंटी थाउजेंड कंटिन्यू क्रेडिटर्स ओके okay? ये पराया धन तो नहीं है पर क्रेडिटर्स का पैसा अपनी जेब में होता है ओके हम दूध वाले से दूध ले लेते हैं तो पैसा देना पड़ेगा न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर ले लेते हैं तो पैसा देना पड़ेगा हम केबल वाले से केबल के सर्विसेज ले लेते हैं इंटरनेट वाले से इंटरनेट का सर्विस डेटा ले लेते हैं तो ये सारे लोग कोई भी हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं है ये हमारे कोई चाचा नहीं है कि चाचा फ्री का दे देना बिल्कुल नहीं ये पक्का पैसा मांगने आएंगे तो आपको इनको इन सभी को इनको सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं कोई सर्विस देता है कोई आपको माल लाकर देता है आपको इनको पैसे देने हैं ओके फ्यूचर में पेएबल ये जो है ना payable, ये इनको लागू होता है एप्लीकेबल होता है तो लाइबिलिटी में जाएगा तीस हजार थर्टी थाउजेंडे नाउ आर एट दी ऑलमोस्ट एट कैपिटल ओके बैंक लोन का मतलब क्या था आपको याद है पराया पैसा ओके okay? बाहर वाले का पैसा वेरी इंपोर्टेंट कैपिटल मतलब अपने ओनर का पैसा अपने ओनर्स तो अपने मालिक होते हैं ना ओके okay? तो ये मालिक का पैसा है तो ये पी कैप का मतलब यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिस विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सन में उसका अमाउंट डाल देना सेवेंटी थाउजेंड मून में उसका अमाउंट डाल देना कहां पे डाल देना ओके okay? ये क्रेडिट है लुक एट दैट तो ये क्रेडिट में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट

क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एडजस्टमेंट्स में ये दोबारा रिपीट कर देता हूं ट्रायल बैलेंस में आप जो भी लिखते हो एवरी थिंग रिटर्न इन द ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट इज टू बी ट्रांसफर्ड वंस वन टाइम बट एडजस्टमेंट्स में जो भी नंबर आता है वो आपको दो बार लिखना है रीजन फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट दूसरा आप ये भी बोल सकते हो डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट बिकॉज दैट इज वाउं स्टार्ट करते हैं एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओके सो डेट देख लीजिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द्वेश्चन डेट ये कब का स्टॉक है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड नाइनटीन बिकॉज दिस इज द लास्ट डेट

That that whichever whichever is is the the lesser lesser value, value very important. Please note that, whichever is the lesser value, in this situation, it is 1 okay? तो ये टू लैख ट्वेंटी के ऊपर एक पर्दा डाल दो इसको देखो भी मत देखने की जरूरत नहीं है सोचने की जरूरत नहीं है भूल जाओ इसको वन लैख एटी का two टू इफेक्ट दोगे फर्स्ट इफेक्ट कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वन लैक एटी थाउजेंड लुक एट दिस पे लिखा है क्रेडिट साइड पे लिखा है तो सेकेंड इफेक्ट पे जाएगा डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक का आप क्या करोगे जेब में पैसा बच गया वो क्लोजिंग है किचन में सामान बच गया वो क्लोजिंग है फेंकना नहीं है रखना है ताकि कल परसों तरसो ये आपको काम आ सके ओके इट इज यूजफुल टू फायदा होता है इसका कल और जो फायदा आपको देता है कल वो बैलेंस शीट में हम एसिड साइड पे लिखते हैं सो सेकेंड इफेक्ट वन लैख एटी थाउजेंड दिस इज अ फर्स्ट एडजस्टमेंट अ वेरी कॉमन एंड सिंपल एडजस्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेप्रीशिएट इक्विपमेंट द मोमेंट यू सी द वर्ड डेप्रीशिएट प्लीज अंडरस्टैंड इक्विपमेंट को थोड़ा हल्का करना है ओके okay? उसको सब करना है क्योंकि द वर्ड डेप्रीशिएट उसका मतलब ही है रिडक्शन ओके इक्विपमेंट आपने यूज किया होगा ओके आप किचन में थोड़ा जाके देख लो आपका ओके सिर्फ खाने के लिए नहीं पर दूसरा कि कौन से कौन से इक्विपमेंट आपकी मम्मी यूज करती है वो इक्विपमेंट हर दिन यूज करती है वो थोड़ा थोड़ा घिसते रहता है ओके और उसके बाद में उसका वैल्यू उस घिसने के वजह से ओके उस रबिंग के वजह से ओके उसका वैल्यू कम हो जाता है ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दैट किचन में जो बर्तन होते हैं हर दिन उसको घिसना पड़ता है जो भी स्पून होता है चम्मच होता है उसको भी घिसना पड़ता है उस घिसने के कारण उसका वैल्यू कम होते जाता है जिसके वजह से एक दिन आपके मम्मी को नया जो बर्तन है खरीदना पड़ता है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिश के आपको माइनस करना है तो इक्विपमेंट कहा लिखते हो इक्विपमेंट इज रिटन इन द बैलेंस शीट तो फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट में इक्विपमेंट के नीचे आएगा माइनस ट्वेंटी परसेंट डेप्रीसिएशन ओके टेन परसेंट याद है आपको कैसे आता है जो नंबर आपके सामने है उसका लास्ट थाउजेंड तो आएगा बट हमको दुगुना ट्वेंटी परसेंट चाहिए तो आठ हजार का डबल कर लो सिक्सटीन थाउजेंड ओके तो माइनस सिक्सटीन थाउजेंड ओके अगर पहले आदत नहीं थी इफ यू डेंट से आदत डाल दो क्योंकि हर कैलकुलेशन के लिए आप रफ वर्क नहीं कर सकते हैं ओके इट इज अ गुड थिंग इफ यू यूज योर माइंड फॉर डूइंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपने नोटिस किया जाएगा मैंने क्या कहा इफ यू यूज योर माइंड सो डेप्रिसिएशन के लिए वी यूज द माइंड तो इसका सेकेंड इफेक्ट देखिए दिस इज फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट आप जाएगा माइंड माइंड का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड वॉय ऑन द डेबिट साइड क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब घाटा होता है ना नुकसान डेबिट दी एक्सपेंसिस एंड हमने आपको क्या बोला है की आउटस्टैंडिंग आज का खर्चा होता है इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में है सो यू कैन ऑलवेज गो दैट इट इज माई रिक्वेस्ट इफ देर इज अ कंफ्यूजन ओके द गुड थिंग अबाउट यू डिलीट नहीं हुए हैं प्लीज अंडरस्टैंड लेक्चर में मेरी बातें सुनते हो तो वो लेक्चर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता हूं मैं ओके आफ्टर थ्रू दिस पर्टिकुलर डिजिटल मीडियम इफ यू फर्गेट एनीथिंग नो प्रॉब्लम आप फ्री हो आपके पास टाइम है बिल्कुल नहीं सर वीडियो में पर्मांटली अवेलेबल है एंड इट इज आपके हैंडहेल्ड डिवाइस में आपके मोबाइल में घर पे अगर बढ़िया टीवी है तो टीवी पे भी आप मुझको देख सकते हो ओके सो प्लीज नोट अगर भूल गए आउटस्टैंडिंग क्या है यू कैन ऑलवेज गो टू द प्रीवियस वीडियो बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है आज का खर्चा टूडे आज का और आज का हमेशा आपको प्लस करना पड़ता है कमीशन सो so, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखता है तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट है

िटीज सो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में होता है टू थाउजेंड ओकेजेंट मैटर सर कैरेज आउटवर्ड क्या है रॉयल्टी क्या है वो तो पहले से डिस्कस हो चुका है प्रीपेड क्या है दिस इज योर क्वेरी या तो ये आपको पूछना चाहिए प्रीपेड का मतलब कल का खर्चा ओके आपने प्रीपेड कैब्स के बारे में सुना होगा एग्जाम्पल जब भी आप बॉम्बे के एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना सांता एयरपोर्ट एयरपोर्ट जो भी एयरपोर्ट से तो एयरपोर्ट के अंदर ही प्रीपेड कैब होता है प्रीपेड टैक्सी होती है मतलब आप अभी तक टैक्सी में बैठे नहीं हो पर पैसे आपने पहले दे दिए आप काउंटर पे जाते हो तो भाई साहब पूछता है सर मैडम कहाँ पे जाओगे आप बोलते हो मैं कलीना जाऊंगा मैं कुरला जाऊंगा मैं वसई जाऊंगा तो आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से वो बोल देता है सर आपको पांच सौ चार सौ छह सौ देना है तो आप पैसे पहले ही दे देते हो उसके बाद में जाके टैक्सी में आप बैठते हो ओके सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सी में में तो बाद में बैठना है पैसे पहले ही दे के रखने हैं मुझको हाँ पर इतना याद रखिए कि ये आप क्यों करते हो क्योंकि आप प्रीपेड करते हो पैसे पहले ही देते हो जब आप आपका जो भोजा है ना सामान लेकर बाहर जाओगे एयरपोर्ट के बाहर आपको चक्कर मारने की जरूरत नहीं है कि भाई टैक्सी मिलेगा कब मिलेगा कितनी बड़ी मिलेगी उसमें डिक्की मिलेगी उसके ऊपर मैं सामान रख पाऊंगा कुछ टेंशन मत लेना आपका टैक्सी पहले से बुक है आप आराम से जाके उसमें चुपचाप बैठ जाइए घर पे वो आपको पहुंच देगा ओके सो प्रीपेड आपको फायदा देता है ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दैट तो प्रीपेड फर्स्ट नजरिया क्या है पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट इज इट इज अ टूमोरोक्सपेंस ये कल का ये आगे का खर्चा है क्योंकि ये कल का है इसको आपको माइनस करना है कैरेज आउटवर्ड का पे आता है और प्रीपेड के साथ माइनस का साइन जाता है सो दिस इज योर कैरेज आउटवु इसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट कहा लेना है आई डोल्ट यू नो ये आपको फायदा देता है दिस इज बेनिफिशियल टू यू

To acid side. We are done with all our adjustments. We are done with the first effect and the second effect. It means to say if we look at our steps, okay. In the steps, this third step, which is solve adjustments, that has been completed. Okay, students. Now we are on step 4, which is called as tally the accounts and balance sheet. So before you do this step, please confirm कि आपके सारे जो नंबर्स है मतलब प्लस माइनस जो आपको करना था क्या आपने वो किया है कि नहीं एग्जाम्पल में माइनस करना पड़ता है और नंबर आंसर बाहर जाता है सो वन लैक एटी माइनस टेन थाउजेंड शुड गिव यून लैक सेवेंटी थाउजेंड नेक्स्ट रॉयल्टीज एक लाइन में जाना है एवरी अकाउंट आप कंफर्म कर लो इनर कॉलम नंबर्स आर ट्रांसफर टू दी आउटर कॉलम रॉयल्टीज ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड आउटर कॉलम

नाउ दैट सब हो चुका है क्वेश्चन में वापस से देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस हमारा हो गया है एडजस्टमेंट्स हमारे सारे हो चुके हैं अभी हमको स्टेप फोर टैली अकाउंट्स एंड ये हमको स्टार्ट करना है स्टार्ट से करते हैं दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट ओके इसमें मैंने क्या सिस्टम समझाया है वेरी सिंपल रफ वर्क में आपको डेबिट का टोटल लिखना है एंड क्रेडिट का टोटल लिखना है

शोइंग इट टू दी एग्जामिन इन पेन आप पेंसिल में करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ओके सो डेबिट टोटल इज टू लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड क्रेडिट टोटल हियर इज फाइव लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड दे जो heavier side है भारी वाला जो साइड है ओके okay, वो ही ग्रैंड टोटल में नीचे आएगा विच इज फाइव लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड

ग्रॉस प्रॉफिट क्या है कैरीडाउन सी डी का फुल फॉर्म क्या है कैरी डाउन अभी इसको कैरी कहां पर करना है उठाकर कहां पर लेकर जाना है नेक्स्ट अकाउंट में ओके okay? अभी तक हम ये अलग अलग पढ़ रहे थे बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग अकाउंट का कनेक्शन अगले अकाउंट के साथ है विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहां पर हमको क्रेडिट साइड पे इसको ब्रॉड डाउन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में ये था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा बाय दैट इज हाउ देर इज अ लिंक Okay, एक रिश्ता है दोनों अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन अभी यहां पर हमको कास्टिंग करना है मतलब टैली कभी कभी कहते हैं तो डेबिट का टोटल लिखेंगे क्रेडिट का टोटल वो तो सिंपल है थ्री लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड बट स्टिल लिख देते हैं ओके सो द डेबिट टोटल इज नाइन्टी थ्री थाउजेंड द क्रेडिट टोटल इज थ्री लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड

तो वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो वो होगा नेट प्रॉफिट ओके नेट प्रॉफिट दिस नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर्स प्लीज नोट ओके इट इज नॉट सिंगुलर एक मालिक नहीं है दो मालिक है इस प्रॉब्लम में ओके okay? एक का नाम सन दूसरे का नाम मून तो ये दोनों में बंटवारा होना चाहिए अगर रेशियो ना हो सम में तो ये थ्री टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इक्वल होता है अगर रेशो ना हो बट ये में रेशो दिया था क्वेश्चन के अंदर ओके? Okay, रेशो दिया था लॉस अकाउंट सो लेट्स यूज इट सन मून सन का कैलकुलेशन आपके सामने है वन लैख फिफ्टी थ्री सिक्स हंड्रेड मून का कैलकुलेशन आपके सामने है वन लैख टू थाउजेंड फोर हंड्रेड आई होप सो आपके एंड्रॉइड फोन का कैलकुलेटर या आईफोन का कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं बट जो गॉड कैलकुलेटर दिमाग में है उसको यूज करो बिकॉज इन एग्जामिनेशन, डिजिटल डिवाइस अभी तक तो उन्होंने अलाउ नहीं किया है ये नेट प्रॉफिट अगेन कैरिड है तो इसको अलग अकाउंट में आपको लेकर जाना है नेक्स्ट अकाउंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है टू अगले में हो जाएगा बाय 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 नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो भी उनका प्रॉफिट आया था अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप कास्टिंग करोगे मीनिंग टोटलिंग सन का पहले टोटल लिख देना मून का बाद में टोटल लिख देना सो लेट्स डू इट थ्री थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी थ्री सिक्स हंड्रेड रफ टोटल नाउ फॉर मून

म स्टाइल यू हैव टू डू इन एवरी एवरी टाइम यू डू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट प्लीज रिमेम्बर ये आप सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के लिए नहीं कर रहे हो कि यही चैप्टर के लिए करूंगा फिर भूल जाऊंगा ऐसा नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में लीस्ट कम से कम चार से पांच चैप्टर में आता है चार से पांच चैप्टर में हर चैप्टर में अगर आप ट्वेंटी सम्स भी करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो सिंपल गणित है हंड्रेड क्वेश्चंस ये हंड्रेड टाइम करना है ओके सो डोंट वरी आदत आराम से पड़ जाएगी मून का टोटल कर लेना अभी टोटल वन लैख सेवेंटी टू फोर हंड्रेड नाउ द डिफरेंस वन लैख सिक्सटी नाइन फोर हंड्रेड नाउ वट इज दिस कॉल्ड देखिए यहां पे ओपनिंग कैपिटल है दिस इज ओनर्स मनी ऑन द फर्स्ट डे तो ये होता है ओनर्स मनी ऑन द लास्ट मालिक का पैसा लास्ट पर मालिक का जो पैसा शुरुआत में था ना सेवेंटी सेवेंटी वो सेम नहीं होता प्लीज अंडरस्टैंड आप किसी भी बिजनेस के अगर मालिक हो और आपने सेवेंटी थाउजेंड धंधे में डाला है तो मुनाफा होगा ना मुनाफा होने के बाद में आपका पैसा आपका पिगी बैंक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे वही हुआ है सन का पैसा एंड में बढ़ गया है मून का पैसा स्टार्ट में कम था सेवेंटी थाउजेंड एंड में बढ़ गया क्यों प्रॉफिट जो होता है वो उनके पिगी बैंक में उनके झोली में जा चुका है तो ये दोनों को हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं वो लिखते तो नहीं है बट मतलब वो है लिखना का आपको ये है, में वो, है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है आप लिखोगे तो कोई बुरी बात नहीं है बट प्लीज नोट कि ये पूरा अकाउंट जो है वो बेसिकली एक रफ वर्क है इसके लिए मार्क्स का एलोकेशन होता नहीं है यहां से नेक्स्ट अपनी गाड़ी कहां पर जाएगी वो होगा बैलेंस शीट ओके तो बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करेंगे इसको कैपिटल्स ऑन द लाइबिलिटी ऐसे है सन का टू लैख ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड एंड देन मून वन लैख सिक्सटी नाइन फोर हंड्रेड द टोटल विल गो इन आउटर कॉलम थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड एंड देन द आइसिंग ऑन द केक ओके इसके बाद आप केक खा सकते हो लाइबिलिटी का टोटल करना है और एसिड का टोटल करना है सेम आ गया तो भाई पार्टी का टाइम हो गया है ओके okay? कर लेते हैं सिक्स लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड ओके तो ये खुशी का मौका है गिव अ पैट ऑन योर बैक अगर आपका आंसर इसी के जैसे सेम सेम आ गया ओके दिस मीन्स वॉट स्टेप्स के हिसाब से ये जो हमारा डांस स्टेप चलते रहता है ना स्टेप फोर जो है टैली दी एंड द बैलेंस ये हमने कंप्लीट कर लिया ओके इट्स टाइम दैट जो मेरा चेहरा है आपको नजर आना चाहिए बिकॉज वी आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स वीडियो आई होप दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन एक्सप्लेन एंड द होमवर्क यू is 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 similarly matching with this it 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 same if it is not obviously watch रहेगी तो उसका आप rectification कर लेना very important अगर गड़बड़ हुई है मतलब कुछ doubts थे आपको okay कुछ confusions था आपको कोई problem नहीं है okay as a professor doubts तो हमको भी होता है वैसे ही doubts आपको भी होते हैं उसका क्लैरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डाउट हुआ है किसी भी प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट के बारे में एडजस्टमेंट के बारे में ट्रायल बैलेंस के बारे में हेजिटेट हेजिटेट मत करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डू डू नॉट ओके प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन ओके इफ यू आर न्यू टू यूट्यूब आई डोंट थिंक सो यू शुड बी बट स्टिल अगर यूट्यूब के मीडियम पे आप नए हो बड़ा सिंपल होता है वीडियो जो चल रहा है उसके नीचे ही कमेंट्स का सेक्शन होता है ओके okay? कमेंट्स में जो पढ़ाया गया है और जिसके बारे में आपको डाउट्स है स्ट इन दिस पर्टिक्यूलर सब प्रीवियसली जितने भी सोल्व किए हैं प्रीवियस के विडियो में इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट सेक्शन में आप लिख दीजिए वॉट वी विल डू इस सारे जो डाउट है क्योंकि जो डाउट आपका होता है वो दस बीस दूसरे बच्चों का भी होगा सो इनस्टेड ऑफ मी आंसरिंग यू इंडिविजुअली इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग ताकि मेरा और आपका भी टाइम बच जाए कि ये डाउट को हम बराबर बर से ऑर्गेनाइज करें एंड एक साथ में एक ही वीडियो में फ्यूचर के वीडियो में इसका आंसर मैं आपको दे सकूं ओके आई होप ऑल ऑफ दिस दैट वाज एक्सप्लेन टू यू इज अंडरस्टूड बाय यू टिल द टाइम वी मीट अगेन डू टेक केयर